प्रतिवर्ष किसान सोयाबीन निकाल कर दीपावली मनाते हैं, किंतु इस बार लौटती बारिश की वजह से सोयाबीन फसल का भारी नुकसान हुआ है। परिणामवश उत्पादन में भी गिरावट आई है। बाजार में सोयाबीन के दर कम हो जाने से फिलहाल किसान सोयाबीन बेचने की मानसिकता में नहीं है। बावजूद इसके महाराष्ट्र की वर्धा कृषि उपज बाजार समिति में अब तक 19,573 क्विंटल सोयाबीन खरीदी के माध्यम से 9.57 करोड़ का कारोबार हो चुका है। वहीं कपास की 19,896 क्विंटल खरीदी निजी व्यापारियों ने की है। सोयाबीन को औसतन 4,200 से 5,004 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव दिया गया है। सोयाबीन की उगाई क्षमता कम रहने के कारण इस वर्ष किसानों को कृषि केंद्र से महंगे बीज खरीदी कर बुआई करनी पड़ी थी। इस बीच विभिन्न रोगों के हुए आक्रमण से दवा के छिड़काव का भी अतिरिक्त खर्च किसानों को करना पड़ा है। कुछ दिनों के बाद अतिवृष्टि से सोयाबीन फसल का नुकसान हुआ था। जब सोयाबीन की फलियां दानों पर थीं, तब फिर बारिश शुरू होने से उत्पादन हाथ लगेगा या नहीं, इसका डर निर्माण हो गया था। बारिश ने राहत देने के बाद सोयाबीन निकाला, किंतु अपेक्षा के अनुमान से कम ही किसानों को उत्पादन लग रहा है। पिछले वर्ष के सोयाबीन 10,000 रुपयों पर चला गया था, जिसका व्यापारी को काफी फायदा भी था। तब भी किसानों का ही नुकसान हुआ था। इस वर्ष सोयाबीन का अच्छा दाम मिलेगा, ऐसी किसानों को आशा थी, किंतु सोयाबीन बाजार में आते ही इसकी कीमतें 3,400 रुपये तक नीचे आ गई। बारिश के कारण काले पड़े सोयाबीन को कौड़ियों के दाम बाजार में मिल रहे निजी व्यापारी अच्छे प्रति के सोयाबीन को 4,500 से 5,400 रुपये क्विंटल के दाम देने लगे। सोयाबीन की दरों में थोड़ा उछाल आने से किसान बाजार में बेचने ला रहे हैं। वहीं और दाम बढ़ने की आस लगाकर कुछ किसानों ने सोयाबीन जमा कर रखा है। कृषि उपज बाजार समिति में परमिट धारक 54 व्यापारियों से सोयाबीन, कपास, गेहूं, चना आदि खेत मल खरीदी किया जा रहा है। सोयाबीन को उचित मूल्य नहीं मिल पाने से किसान बेचने नहीं ला रहे हैं, ऐसी जानकारी व्यापारियों से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।